जनवरी महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में ना ही बरसात हुई ना ही बर्फबारी, जिसके चलते हल्द्वानी की गोला नदी समेत जिले की अन्य नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। आने वाले ग्रीष्मकालीन सीजन में पानी की किल्लत से हल्द्वानी शहर को जूझना पड़ सकता है। अगर हल्द्वानी शहर की बात की जाए तो जहां शहर की आबादी को प्रतिदिन 32 एमएलडी पानी की जरूरत होती है, जिसको जल संस्थान गोला नदी और ट्यूबवेलों से पेयजल आपूर्ति करता है, वहीं गोला नदी के घटते जलस्तर पर जिला प्रशासन भी अपनी नजर बनाए हुए है। नवबारा समाचार हल्द्वानी उत्तराखंड से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। होती है तो अर्बन डेवलपमेंट में हमेशा चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो चौराहे हो, सड़क का डिजाइन हो, स्टैंडर्ड तक छोड़े जा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि रीडेवलपमेंट एंड रीडिजाइनिंग। सो हम अपनी प्रेजेंटेशन से एक बार स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे जितना भी अभी हमारा क्योंकि स्नोफॉल सीजन ख़त्म नहीं हुआ है, ये अवश्य है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारी प्रेसिपिटेशन कम रही है, चाहे स्नोफॉल के रूप में चाहे रेनफॉल के रूप में। हमारा लेक लेवल्स जो रैशनिंग भी हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लेक लेवल्स अगर हम कंपेयर करें सेम मंथ्स का प्रीवियस ईयर में, मतलब मीन्स आज जनवरी चल रहा है, तो जनवरी 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे लेक लेवल्स कुछ हद तक डाउन हैं। लेकिन सर उसका असर वाटर सप्लाई पे पड़ सकता है आने वाले दिनों। लेकिन नैनीताल टाउन में तो हम रैशनिंग को थोड़ा सा और मैनूवर करेंगे, जिससे हमारे आगामी समर सीजन में इसका प्रभाव ना पड़े और जैसे जो पॉसिटी होती है पानी की वो ना हो। गौला में जो हमारी सप्लाई आ रही है कैचमेंट एरिया से, उसमें हमें गौला में भी हो सकता है कि आगामी समर सीजन में रैशनिंग की जरूरत पड़े और टैंकर्स हमें अतिरिक्त रूप से लगाने पड़े, ट्यूबवेल्स को हमको टैप करना पड़े।